अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? दुआ करता हूँ सब खुश रहे, अच्छे से रहे। आज सैमसंग का A10s इसका एक बार भी बाईपास करेंगे, जिसका एक बार भी बाईपास करेंगे UMT के साथ। सबसे पहले आपको दिखाना है कि इस पर एक बार भी लगी है या नहीं। घुमाता तो मख की वीडियो को यहाँ पे ये अकाउंट मांग रहा है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल को पावर अप करना है। तो ये UMT का MTK टूल है, इसको ओपन करना है, वन क्लिक से FRP बाईपास हो जाएगा आपका। ये ओपन हो चुका है। अब ये यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, रेसेट FRP पे क्लिक करना है, रेसेट FRP, और उसके बाद आपने इस वाले बटन को क्लिक करना है, एग्जीक्यूट, इस पे क्लिक करना है और मोबाइल को PC के साथ कनेक्ट करना है। वॉल्यूम अप डाउन इसको प्रेस करके चेक करना है, अगर इसके साथ नहीं हुआ तो फिर कोई भी की नहीं दबाना, इसके साथ नहीं हुआ तो सीधा साधा केबल लगाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। मोबाइल को रिस्टार्ट करना है एक दफ़ा और फिर आपने केबल लगानी है, बस आपका FRP रिमूव हो जाएगा बहुत ईजी आसानी के साथ। फिर भी अगर कोई मसला आता है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। ये UMT में नया अपडेट आ चुका है, इससे पहले भी मैंने बहुत वीडियो बनाई है इस पर। कनेक्ट हो चुका है, ये रेसेट FRP हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपने फोन को ऑन करना है, स्किप आ गया तो समझो आपका FRP बाईपास हो चुका है। UMT बहुत ज़बरदस्त टूल है, किसी के पास नहीं है तो लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसे कमाना चाहता है तो ज़रूर लेनी चाहिए,
बहुत अच्छी टूर है ये। आपका ये पार्किंग बाईपास डन, आप देख सकते हैं बहुत इजी के साथ, बहुत इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें।